गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज असी पढ़ांगे किलकारी पंजाबी पाठ पुस्तक विच्चों पाठ नंबर 17 गरीब मार पेज नंबर 119 जो कि गुरदीप भमरा द्वारा बच्चे लिखा हुआ लैसन है। साडा कि तुसी छोटे बच्चों नू काम करदे देखा है बच्चे? ये लैसन जिहड़ा गरीब मार आ साडा उन्हां बच्चों बारे है जिहड़े कि 14 साल तो घट उम्र के होंगे हैं, बाल मजदूरी जिन्हों तो करवाई जाती उन्हां बारे है कि तुसी छोटे बच्चों नू काम करदे देखा है। उन्हें ये काम क्यों करना पैंदा है कि बच्चों छोटी उम्र में काम करना चाहिए है, इस बारे आप विस्थार नाल पढ़ते हैं लैसन। बच्चे जरी गोटे दे इस कारखाने ते एक कोई पहला छापा नहीं सी। जरी गोटे की दुकान सीगी उत्थे कहिंदे काफ़ी जिहड़ी पुलिस सी छापे मारदी रहिंदी सीगी। पुलिस अक्सर इस तरह के कारखानियां उत्ते छापे मारदी रहिंदी सी। छापे मारना अचानक किसी जगह की तलाशी लैंदी रहिंदी सी पुलिस, पर इस बार इस छापे का मतलब कुछ होर सी। कारखाने चों 12 नाबालग बच्चे फड़े गए। 12 जिहड़े सी गिनती दे विच नाबालग बच्चे वह हुंदे हन जिहड़े 14 साल तो घट उम्र दे हुंदे हन, वह जिहड़े कारखाने विचों फड़े गए सन काम करदे। उन्हां नूं बाल मजदूरी दे कानून दे अधीन इन्हां कम्मां तों आजाद करके जबरी उन्हां दे पिछे पते टिकाणियां उपर रवाना कर दिता गया। जबरी मैंने जबरदस्ती जिन्हों तो काम करवाया जाता सी उन्हां बारे हैगा आ। अजय बाल मजदूरों विच्चों एक सी राजू। राजू नाम का एक लड़का सी, रंग का सोला यानी कि सावला जिहा रंग सी उसका, माड़चू जिहा पतला कमजोर जिहा सीगा राजू। सिर उपर छोटे छोटे बाल ते तेड़ मैली जी निकर, सिर दे उत्ते उहदे छोटे छोटे बाल सी ते उसने मैले जे कपड़े पाए हुए सन। जदों उसनू SDM दे सामने पेश किया गया तो वह हाथ जोड़ के मिन्नतां करन लग पिया। ठीक है, बच्चा डर गया जदों उसनू किसी SDM दे सामने पेश किया गया। हमको जाने दो साहब, हम कुछ नहीं जानत, हमारे मामू के पास जाने दो। तुम्हारा नाम क्या है? SDM ने उन्हें सवाल किया, उन्हें पूछा कि तू कौन है? जी राजू। पूरा नाम बोल। जी राजू प्रताप सिंह। बाप का नाम? जी प्रताप सिंह। कहाँ रहते हो? मामू की खोली में। खोली हुंदी या कोठड़ी जे विच रहिंदा सीगा। कहाँ? उसने दसिया कि वह अपने मामू कोल रहिंदा है। SDM माधुरी कोल ने उस बच्चे वल ध्यान नाल देखिया। उसनू किसे घर विच वर्तन ते सफाइयां करन वाला मुंडू जापिया। ठीक है, उसनू इस तरह लगा वह बच्चा देख के SDM नू कि किसे घर विच कोई सफाई करन वाला लगता है। क्या काम करते हो? जी मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी तो सब करते हैं, तुम क्या काम करते हो कारखाने में? ठीक है, उसनू बच्चे नू फिर राजू नू पूछा गया कि मेहनत मजदूरी करता है, की काम करता है तू कारखाने विच? जी आरी का काम करता हूँ। आरी का काम? मैडम हैरान सी कि यह जो मुंडा मसा ही 11-12 साल का सी वह उस कढ़ाई दे काम की गल करता सी जिस वास्ते उसने हले कल ही अपनी रेशमी सूट बनन वास्ते दिता सी। कि इन्नी छोटी उम्र भी बच्चे नू ये सब कुछ करना सीख जाते हैं। ठीक है, वो मैडम भी बड़ी हैरान हो रही सी कि इतना छोटा जिहा बच्चा छोटी उम्र के बीच कढ़ाई वाली दुकान के उत्ते काम कर रहा है, कि वो इन्ना छोटा बच्चा ही वाला काम कर पा रहा सही तरह? देखो अभी काम नहीं करना, कोई तुम्हें गांव भेजा जाएगा, जाके वहाँ पढ़ना, मैडम ने उसनू समझाया। ठीक है, वो मैडम जिस दे अगे पेश किया गया सी राजू नू लगे आए सी, वो मैडम उसनू समझा रही सी कि तुसी काम नहीं करना, तुसी अपने पिंड जाना वापस ते उत्थे जाके तुसी अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि वो छोटा बच्चा सी राजू 11-12 साल की उम्र का। देखो इसनू इसदे पिंड ही भेजना, इधर उधर नहीं छड़ना, जेड़ा भी इसनू छड़न जाए इसकी वीडियो बना के लैके आवे, मैडम ने ऑर्डर दिता। मैडम ने कहा कि इसकी वीडियो जरूर बना के लैके आयो, इसनू पिंड छड़ दिता जाए, इसनू कारखाने तो बाहर कढ़िया जाए, इसनू पढ़न लई इसदे पिंड वापस भेजा जाए। राजू नू इस बार फिर समझा दिता गया कि उसनू उसके घर भेजा जा रहा है ते वो किसे काम ते ना जाके स्कूल विच अपना नाम दाखिल करवावे ते अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे पूरी करे। उसकी उम्र पढ़ाई दी है, काम दी नहीं। ठीक है, कि उसनू समझाया गया सीगा कि उसकी उम्र हजे पढ़न लिखन दी है, काम करन दी उम्र उसकी नहीं है, हजे उम्र विच बहुत छोटा है। अगले दिन सुमित राजू नू लै के बिहार वास्ते रवाना हो गया। सुमित दी ड्यूटी लगाई गई सी बच्चे कि राजू नू उसनू बिहार वापस भेजना।
रेल का स्टेशन उसके पिंड तो कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर सी। उसने ये सारा सफ़र रेलगड्डी राही तय करना सी, रेलगड्डी राही उसने सफ़र तय करना सी। अग्गों उन्होंने उम्मीद सी कि बस मिल जाएगी। सुमित को निर्देश दिता गया कि वह राजू उसके पिंड लिजा के उसके घर उसकी माँ को सौंप के आवे। ठीक है बच्चे, सुमित की ड्यूटी लगाई गई सी, इस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई सी कि राजू उसके पिंड भेजा जाए तो उसके घर उसकी माँ को सौंप के माँ के सामने पेश किया जाए। SDM माधुरी कोल नू डर सी कि किते ओ मुड़ ए मेहनत मजदूरी के धंधे विच वापस ना फस जाए। ये भी हो सकता सी कि इसका मामा लालची होवे, उसनू छोटी उम्र विच पढ़ाउण लई शहर लैके आया होवे पर उसनू पढ़ाउण दी थां काम ते ला दिता गया होवे। दो दिनों तो बाद उसके मामे की दसे पते उपर लभण की कोशिश की जा रही सी पर वह लापता सी। शायद उस नू राजू दे फड़े जाण बारे पता लग गया होवे। ठीक है, उसका मामा जिहड़ा सी राजू का उही उसनू उत्थे लैके गया सीगा। सब नू लगदा सीगा कि मामा लालची होवेगा, शायद वह घर दस्या होवे कि बच्चा पढ़न लई ही चला है पर उस तो जबरदस्ती काम करवा रहा होवे। ये भी मन विच उसके विचार आ रहा सीगा। पुलिस दीआं अजिहीआं घटनावां मगरों दोषी अक्सर फरार हो जांदे सन। ठीक है, जो इस तरह का किसी दोषी नू फड़ लिया जाता सी तो दोषी कई बार फरार हो जाते सन, भज जाते सन। उस कारखाने में चौकीदार वजों काम करता रहा सी। सुमित नू उम्मीद सी कि राजू नू छड़ के दो दिनों के बीच बीच ही वह मुड़ वापस अपने प्रोजेक्ट उपर आ जाएगा। जिहड़ा सुमित सीगा वह कोई अपना प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहा सीगा। वह उन्हां बच्चियां दे उपर एक प्रोजेक्ट ते काम कर रहा सी जिहड़े किसी डर तो घरों भज जाते सन। ठीक है, प्रोजेक्ट भी उसका उही सीगा जिहड़े बच्चे डर दे मारे घरों भज जाते सी उन्हां बारे ही एक सुमित प्रोजेक्ट जिहड़ा बना रहा सी। सुमित दी ड्यूटी लगाई गई सी राजू नू उसके घर भेजण दी। इस काम विच उसनू पुलिस दे नाल नाल प्रशासन दे सहयोग दी लोड़ सी। माधुरी कोल ने जो उस दे अध्यापक दी ही विद्यार्थन सी सुमित दी मदद कर रही सी। ठीक है, मैडम जिहड़ी सीगी सुमित दी मदद कर रही सी राजू नू उसके घर पहुँचाउण दे विच भी। ये छापा असल दे विच उन्हां बच्चों की भाल विच सी जिहड़े एक चोरी दे केस विच लुड़िंदे सन। सुमित इस छापा मारन वाली टीम का ही मैंबर सी। हुण राजू नू उस घर पहुँचाउण दी जिम्मेवारी मैडम माधुरी कोल ने ही उसनू सौंपी सी। सुमित जे सुमित की मदद कर रही सी मैडम भी हर किसी तरह की किस्म के विच भी उहदी मदद कर रही सी। सुमित ने सारे रस्ते राजू दे नाल गल करन दी कोशिश की पर उसनू कुछ भी नहीं सी दस रहा। जिहड़ा राजू सी उसनू कुछ नहीं दस रहा सी, वह डर भी रहा सी। शायद उसनू यह डर रहा सी कि वह गड्डी का लंबा सफर सी। सुमित ने खाली वक्त गुजारन लई एक दो किताबां अपने झोले दे विच रखियां होईयां सन। ठीक है, सुमित जो राजू नू छड्डन जा रहा सी तो उसने अपने एक बैग दे विच दो अपनियां किताबां पढ़न नू रखियां सी कि सफ़र लंबा है कि उसका रस्ते का सफ़र किस तरह तय होवेगा, किस तरह अपना टाइम पास करेगा। अपने झोले दे विच रखियां होईयां किताबां सन। लगभग 28 घंटे के सफ़र तो बाद वह बिहार की सीमा विच दाखिल हो गए। ठीक है, 28 घंटे बच्चे उन्हां नू लगे बिहार दे विच दाखिल होण लई पहुँचन दे लई। स्टेशन उपर उतरन तो बाद उसने राजू नू पुछया यहाँ से कैसे जाते हो गांव को। ठीक है, बिहार तक पहुँच गए सन तो फिर राजू नू पुछया गया कि हुण अगों तू अपने पिंड किस तरह पहुँचेगा। बस में जाते हैं, राजू ने कहा बस में जाते हैं।